हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ कीप अप नहीं सीख पा रहे हैं? डोंट वरी, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसे मिस्टेक जिसके कारण आप कीप अप जल्दी से नहीं सीख पा रहे हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कमाल के बोनस टिप्स देने वाला हूं जिनको प्रैक्टिस करके आप जल्दी से कीप अप सीखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बेसिक लेवल से कीप अप सीखना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उसका लिंक दे रहा हूं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं और इजीली स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिस्टेक। ओके गाइज, फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है बॉडी स्विंग पोस्चर सही ना होना। तो इसको इजीली समझे इसलिए मैं अपने भाई की मदद से इसको दिखाऊंगा। तो गाइज, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पप आपका डिपेंड करता है आपके आर्क पोजीशन पे, और आपका आर्क पोजीशन कब अच्छा आएगा, जब आपका बॉडी स्विंग मूवमेंट सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी स्विंग मूवमेंट किस तरह से करना है। रेडी, अप एंड पूरा ऊपर एंड पीछे। आपका बैक पोस्चर और आपका जो लेग है जितना पीछे की तरफ जाएगा उतना अच्छा और हाइट से आपका आर्क बनेगा। वो कैसे, किस तरह से देखें, आपका जो बैक का एंगल अगर 90 डिग्री इस तरह से ऊपर की तरफ बनता है और पैर पीछे से आप मारते हो तो ये जो स्पेस है आर्क का वो आपको ज़्यादा मिल जाता है, जिससे आप इजिली लैंडिंग कर सकते हैं और अपने पैरों को भी सीधा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जिस तरह अगर ये एंगल से मारते हो आप तो ये आर्क पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या मिलेगा, टाइम और जगह ज्यादा मिल जाएगा, जिससे आप इजीली खड़े हो सकते हैं किप अप में। तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन से मार देते हैं, यानी बॉडी का वेट आगे ही है, पीछे स्विंग नहीं लिया आपने। इस पोजीशन से मारने का आपका नुकसान क्या है गाइज, एक तो आपको जगह नहीं मिल पाता है खड़े होने के लिए, आपके बॉडी वेट डायरेक्ट कहां पर लग जाते हैं, आपके पैर और बॉडी वेट कहां पर लग जाते हैं, डायरेक्ट जमीन पे लग जाते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से किप अप खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इस फॉल्ट को आपने ध्यान में रखना है और बॉडी पोस्चर और लेग को पूरा स्विंग लेके जाना है पीछे, जिससे आपका हाइट अच्छे से आए किप अप में और आप इजिली खड़े हो जाए। तो दोस्तों, जो सेकेंड मिस्टेक है वो है हैंड पोजिशन को सही से ना लगाना। देखो दोस्तों, कीप अप के लिए आपको पुश कहां से मिलने वाला है, आपके शोल्डर एंड हाथों से। तो हाथों को ठीक से लगाएंगे तभी जाके आपको प्रॉपर पुश मिलेगा कीप अप के लिए। तो किस तरह से लगाना है ध्यान से देखें। सबसे पहले अपने हाथों को फिंगर इस तरह से खोल लें और शोल्डर के पास दोनों नेक के क्लोज इस तरह से लगाएं हाथ को, और एल्बो को फेस ऊपर की तरफ करें ताकि आप प्रॉपर फॉर्म में उसको पुश कर सकें। जब आप प्रॉपर फॉर्म में इस तरह से लगाएंगे तो ही जाके आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं इस तरह से कीप अप के लिए, स्विंग मूवमेंट के लिए। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या गलती करते हैं, यहां पर अपने हाथों को इस तरह से बाहर की तरफ फेस करते हुए लगाते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, एल्बो को बहुत ज्यादा वाइड कर देते हैं और हाथों को बहुत ज्यादा वाइड लगाते हैं, जिससे उनको प्रॉपर फॉर्म में पुश नहीं मिल पाता। इस तरह से या तो बाहर की तरफ लगाएंगे, अगर अंदर की तरफ भी लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा वाइड लगा देते हैं, शोल्डर से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इस तरह से लगा देते हैं, जिससे उनको प्रॉपर फॉर्म में पुश नहीं मिल पाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, अपने हाथों को जितना हो सकता है शोल्डर और नेक के क्लोज लगाएं, जिससे और एल्बो को ऊपर की तरफ इस तरह से फेस करते हुए लगाएं ताकि आप प्रॉपर फॉर्म में पुश कर सकें और इजीली कीप अप को सेंड कर सकें। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड मिस्टेक है नेक को टाइट रखते हुए फ्लिप करना। तो गाइस, यहां पर ध्यान से समझना, सारा खेल आपके नेक का है। फ्लिपिंग में सबसे ज्यादा मूवमेंट आपके नेक के होते हैं और हम ये गलती करते हैं, अगर आपने नेक को टाइट रखते हुए, रोबोट की तरह टाइट रखते हुए फ्लिपिंग करा तो इस सिचुएशन में आपका मूवमेंट खराब हो जाता है और यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा लग जाती है। तो आप किस तरह से फॉल्ट करते हैं ध्यान से देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मिस्टेक क्या करते हैं, जब आपका वेट नेक पे और शोल्डर पे आ रहा होता है तो उस समय आप नेक को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिससे आपका वेट भी एब्जॉर्ब नहीं होता है पीछे, और उसी मूवमेंट में आप क्या कर देते हो, आगे की तरफ मार देते हो नेक को टाइट रखते हुए, जिससे होता क्या है, आपका नेक और अपर जो आपका फेस है वो तो आगे चले जाता है लेकिन आपकी बॉडी का वेट कहाँ रह जाता है, पीछे की तरफ रह जाता है। वो होता किस लिए है, नेक को टाइट रखने से, इससे आपका आर्क भी नहीं बन पाता है और आपका बॉडी वेट पीछे की तरफ आ जाता है और आप अच्छी तरह से खड़े नहीं हो पाते। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपका मूवमेंट होता है। रेडी, 1 2, नेक को टाइट रखते हुए इस तरह से आप क्या करते हैं, नेक को टाइट रख के अपर पार्ट को टाइट रख देते हैं, जिससे आपका आर्क पोजीशन सही से नहीं हो पाता है और पीछे की तरफ आप गिर जाते हैं। तो गाइज, ये मिस्टेक आपने नहीं करना है। जब आप किप अप मार रहे हैं, किप अप मारने के बाद आपने यहां पर सबसे पहले जब आपका बॉडी वेट पीछे जा रहा होता है तो आपने नेक को लूज छोड़ देना बिल्कुल, और किप अप को पुश करने के बाद नेक को पीछे की तरफ
हैंग कर देना है आपने, ताकि आपका जो चेस्ट और जो आपके एब्स हैं वो आगे की तरफ और पैर अंदर की तरफ इजीली आप खींच सकें, जिससे आपका बॉडी वेट आगे की तरफ चले जाए। सो गाइस, फोर्थ जो मिस्टेक है वो है शॉर्ट किक और आगे की तरफ किक मारना। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है गाइज, लेकिन बहुत सारे लोग इस मिस्टेक को करते हैं। देखे ध्यान से, एक तरह से किस तरह से मारते हैं आप लोग, यहां से बॉडी पोस्चर का इस तरह से शॉर्ट किक मारते हैं, जिससे आपको रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आपको रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, जो आपका रेंज ऑफ मोशन है किप अप के लिए, वो है ऊपर को किक मारने से आपको प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। इस तरह से ध्यान से देखें, वन, इस तरह से आप जब प्रॉपर किक मारेंगे ऊपर की तरफ, तब जाके आपको रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं, इस पोजिशन में आके शॉर्ट किक मारते हैं और आगे की तरफ किक मारते हैं। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल किप अप करना चाहते हैं, तो आपका जो मूवमेंट है यहाँ पर, अपने हाथों से पूरा वेट जब ले लिया आपने, हाथों से पुश कहाँ करना है, आगे की तरफ करना है बॉडी को। लेकिन आपने किक कहाँ की तरफ मारना है, ऊपर की तरफ मारना है। अगर आप एक प्रोफेशनल किप अप चाहते हैं, तो आपके हाथों में वेट आने के बाद हाथ से पुश आगे की तरफ करेंगे, लेकिन किक को कहां मारना है, ऊपर की तरफ मारना है, ताकि आपका जो मोशन है, रेंज ऑफ मोशन, वो हाइट से आए और आप इजीली खड़े हो जाएं। आगे की तरफ गए और पूरा बॉडी वेट हाथों में लिया, अब आपने हाथों से फोर्स को आगे की तरफ लगाना है और किक को ऊपर की तरफ मारते हुए खड़े होना है। यहां से देख, सो गाइस, फिफ्थ एंड फाइनल जो मिस्टेक वो करते हैं हम, अपर बॉडी मूवमेंट को सही से ना करना। तो बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं, यहां से जब आप किप अप मार रहे होते हैं, तो अपने एब्स और चेस्ट को टाइट रख देते हैं आगे खड़े होने के लिए, ताकि हमें ज्यादा आगे फोर्स मिल सके। लेकिन होता क्या है, इससे उल्टा होता है। ध्यान से देखें, जब आप यहां से किक मार रहे हैं, अगर अपने एब्स एंड चेस्ट को टाइट रखेंगे, तो आपके आर्क नहीं बनेगा, बैक आर्क नहीं बनेगा, जिससे आपका बॉडी वेट कहां की तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, और आप इजीली पुश भी नहीं कर सकते उस सिचुएशन में हाथ से। तो आपने करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखें, सबसे पहले आपका जो मूवमेंट है, पूरा स्विंग लेके जाए और किक मारने के बाद अपने चेस्ट और एब्स को फ्लेक्स करना आगे की तरफ। इस तरह से आपने अपने चेस्ट और एब्स को आगे की तरफ निकालते हुए फ्लेक्स करना है, ताकि आपका जो मूवमेंट है, मोमेंटम है, कहां की तरफ बने, आगे की तरफ बने, और आप इजीली किप अप में खड़े हो जाएं। तो गाइस, ये थे 5 मिस्टेक जो कि हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं, तो जल्दी से दूर करें, ताकि आप किप अप जल्दी से खड़े हो जाएं। अब हम चलते हैं बोनस टिप्स की तरफ। तो गाइस, बोनस टिप्स में मैं कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जो कि पर्टिकुलर किप अप को जल्दी से खड़े होने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इन एक्सरसाइजों को आपने 6 से 10 रेपिटेशन के 3-3 सेट करने हैं एवरीडे, जिससे आपकी जल्दी से किप अप अच्छी हो जाएगी। आई होप गाइज, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाली वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।